नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 10 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। और इन्हीं कक्षा 10 की तैयारियों को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको बिहार बोर्ड का टॉपर बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं वन शॉट की सीरीज, जिसमें हर चैप्टर एक डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो जाता है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आप लोगों को मिल जाता है। और उसी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं अर्थशास्त्र का अध्याय 4, हमारी वित्तीय संस्था है आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वन शॉट। ये मैंने आपको क्या दिखाया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट छापने की मशीन, ठीक है ना, नोट छापने की मशीन है भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। चलिए गुरुजी, आज हम कौन कौन से टॉपिकों को दिमाग में छापेंगे, नोट तो नहीं छाप सकते पर दिमाग में टॉपिक तो छाप ही सकते हैं, तो कौन कौन से छापेंगे, हम सब कुछ छाप लेंगे भैया। आज हम वित्तीय संस्थाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार के बारे में भी पढ़ लेंगे, हम बैंकिंग प्रणाली भी पढ़ लेंगे, हम व्यावसायिक बैंक के कार्य भी पढ़ लेंगे, हम केंद्रीय बैंक के बारे में भी पढ़ लेंगे, हम स्वयं सहायता समूह के बारे में भी पढ़ लेंगे, हम सहकारिताओं के बारे में भी पढ़ लेंगे, हम सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जो आज हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वित्तीय संस्था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, जब फाइनेंस की बात आती है, जब वित्तीय की बात आती है, वित्त की बात आती है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मनी का जनरली जो मनी का मैनेजमेंट होता है, हमें मनी उधार देना, ये सब कुछ करना, ये जो आता है ये फाइनेंस में आ जाता है, ये वित्त में आ जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार में और हर राज्य सरकार में एक वित्त मंत्री होता है, तो उस वित्त मंत्री का क्या काम है, जो पैसा है, जो मनी है सरकार के पास, उसका मैनेज कर करके रखना कि भैया इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ से कमाना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्त मंत्री कहते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थाओं की चर्चा आज हम लोग करेंगे। वित्तीय संस्थाओं सीधा सा ऐसी संस्था है जो हम लोगों को हमारे कार्य पूरे करने के लिए हमें पैसे उधार देती हो, वो संस्था वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। पर आइए आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, उद्यम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि वित्तीय संस्थाएं किसको कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहा जाता है। हमारे देश की वे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑफिसेज जो कि आर्थिक विकास के लिए, मतलब हमारे आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए जो उद्यम लगाते हैं, मतलब जो कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कोई उद्योग खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, हमें उधार देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। देखिए हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं, मुद्रा बैंकिंग पढ़ चुके हैं, और मुद्रा बैंकिंग में हमने ये पढ़ा कि मुद्रा के आने के बाद से क्या है, जो भविष्य का जो भुगतान है वो संभव हो पाया है। इसी आधार पर क्या हुआ, साख का निर्माण शुरू हुआ कि वह साख हम दे सकते हैं, उधार हम लोग दे सकते हैं। उसी उधार के बारे में आज का पूरा हमारा चैप्टर है। अब देखिए, देश का आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है और देश के साथ हर व्यक्ति का आर्थिक विकास होना जरूरी है। तो कैसे होगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा बैंक में गया, अब बैंक पैसा उधार तो सबको देता है, आपको भी देता है, मुझे भी देता है। वित्तीय संस्थाओं में बैंक भी एक वित्तीय संस्था है, वो हमें भी पैसा उधार दे रहा है, आपको भी दे रहा है, किसी को भी दे सकता है। परंतु जब एक व्यक्ति ऐसा जाता है, वो कहता है मुझे 10 करोड़ रुपए बैंक से उधार चाहिए, क्यों, बोले मुझे एक बड़ी फैक्ट्री लगानी, उसको उधार दिया जाएगा क्योंकि वो फैक्ट्री लगाएगा। अब वहां फैक्ट्री लगेगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, तो उनका भी जीवन सुधरेगा। और दूसरी तरफ जब फैक्ट्री लगेगी तो वहां पर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, हमारे जीडीपी में वृद्धि होती है, ये पढ़ा है। तो वित्तीय संस्थाएं, अभी आगे पढ़ेंगे, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की एक मेरुदंड होती है, बैकबोन की तरह काम करती है। तो वित्तीय संस्थाएं क्या है, जो भी बिजनेस के लिए या किसी भी एंटरप्राइज के लिए किसी भी प्रकार की जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे पैसों से जुड़ी हुई आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति करता है, उनकी सप्लाई करता है, ऐसी संस्थाओं को हम वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। तो वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, ऐसी आर्थिक कार्यों के लिए, मतलब आप कोई आर्थिक कार्य करना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, ऐसे कार्य जिनसे कि आपको आय हो, ऐसे कार्यों के लिए अगर आपको पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो उसके लिए मौद्रिक प्रबंधन करेगी। मौद्रिक मतलब मुद्रा, पैसा, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, आपके लिए पैसा मैनेज करके देगी, सब ये लो पैसा, 10 लाख रुपए लो, करो जाओ बिजनेस, करो और अच्छे से देश का विकास करो। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करी जाती है। अल्पकालीन मतलब बहुत कम समय के लिए, मध्यकालीन थोड़ा सा बीच का समय, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, और दीर्घकालीन 1 साल, 2 साल से ज्यादा के समय तक के लिए भी क्या करा जाता है, लोन दिया जाता है। देखिए साख, ऋण, उधार, लोन, ये सब एक ही बात है, साख, ऋण, उधार, ये सब क्या है, एक ही बात है।
मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती है और देश के केंद्रीय बैंक जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। तो ये जो वित्तीय संस्था है ये राज्य संपोषित होती है। राज्य का मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं है राजस्थान मध्य प्रदेश ही नहीं, राज्य का मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कक्षा 11 में आप जाकर के बड़ा डीप में पढ़ोगे अगर आप पढ़ते हो तो भारत का संविधान राज्य को क्या कहता है, कहता है कि जो सरकार है सरकार के सारे जो ऑफिसेज हैं वो क्या है राज्य की परिभाषा में आते हैं स्टेट की परिभाषा में आते हैं। यहां पर स्टेट जो शब्द है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया, यूपी बिहार के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया, ये राज्य एक तरीके से सरकार के लिए इस्तेमाल करा गया है। तो सरकार द्वारा संपोषित होते हैं, पोषित का मतलब क्या होता है पोषण देना, मतलब सरकार द्वारा इनको पोषण दिया जा रहा है। जैसे हमें जो पोषण मिलता है किसके द्वारा मिलता है, हमारे माता पिता के द्वारा मिलता है, हमारे माँ बाप हमारे इतना बड़ा करते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं हमारी शिक्षा पर खर्चा करते हैं, उसी प्रकार से जो संस्था है किसके द्वारा चलाई जा रही है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और सरकार की तरफ से इन पर नजर कौन रखता है, केंद्रीय बैंक नजर रखता है। पूरे विश्व में हर देश में एक एक केंद्रीय बैंक होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दो प्रकार के बैंकों की बात करेंगे, एक होते हैं केंद्रीय बैंक और एक होते हैं व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक जिन्हें कॉमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, जितने भी बैंक आप देखते हैं सारे कॉमर्शियल हैं सारे व्यापारिक बैंक हैं, परंतु इन सबके ऊपर सरकार की तरफ से निगरानी रखने वाला हर देश में हर एक बैंक होता है जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं सेंट्रल बैंक कहते हैं। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और अगर आपको नाम नहीं याद रहे आप भूल जाओ तो भैया एग्जाम में क्या करना, 10 का 20 का 50 का जो नोट आपके पास हो वो नोट जेब में डाल करके ले जाना और पूछ लिया जाए भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, तो नोट निकाल के देख लेना हाँ भाई भारतीय रिजर्व बैंक है। पर याद रहना चाहिए ये चीज, एक मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिशा निर्देश देता है और उसी दिशा निर्देश के अनुसार आपको क्या करना होगा, मापदंड हम लोगों को करना होगा, निश्चित जो मापदंड है उस पर हम लोगों को क्या करना होगा, काम करना होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन वित्तीय संस्थाओं को निर्देश देता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो और फिर ये वित्तीय संस्थाएं कृषि व्यवसाय उद्योगों के लिए हम लोगों को उधार देती है, ये वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं वित्तीय संस्थाएं कुछ अलग अलग प्रकार की है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। पहली है सरकारी वित्तीय संस्थाएं फिर अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। सरकार द्वारा स्थापित एवं स्वपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जो सरकार द्वारा स्थापित हो, मतलब कोई भी ऐसी संस्था जिसको सरकार ने स्थापित करा हो, ठीक है, सरकार ने स्थापित करा हो, उसको कंट्रोल कर रही है, उसका जो पोषण चला रही है वो सरकार चला रही है, मतलब उस पर पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल है। मतलब आप जैसे कहें आज जो पब्लिक बैंक है जितने भी जो सरकारी बैंक है वो क्या है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं, क्योंकि वो सरकार द्वारा स्थापित करे गए, सरकार ही उनको सपोषित कर रही है। तो ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित हो सरकार द्वारा सपोषित हो ऐसी वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक दो के लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है चार लिखें तो चार लिखिए, आप एक भी लिखे होंगे तो भी अच्छी बात है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं कि सारा ही लिखें आप। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूरी करती है। अब ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक, अब सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, तो उनके जो निर्देशन है उन निर्देशनों के अनुसार काम करती है, ठीक है। अब देखिए अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं में जनरली क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट दोनों वहां पे मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है। और चाहे बैंक बेटा कोई सा भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो किसी का भी हो, परंतु उसमें जो दिशा निर्देश है वो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या कहा गया, ऐसी संस्था जो सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में उनके स्थापित मापदंडों पर, ठीक है, जो केंद्रीय बैंक ने जो मापदंड जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जो नियम कानून कायदे बनाए हैं, उस अनुसार उनको काम करना पड़ेगा, उस अनुसार लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि, ये सब इसका उदाहरण है। फिर बात करते हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का मतलब क्या हो गया, माइक्रो जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी बात कर रहे हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा, ठीक है, तो छोटे स्तर पर वित्तीय देना, भाई ज्यादा उधार नहीं देंगे पर छोटा सा उधार देंगे, जैसे भाई थोड़ा बहुत अमाउंट हो गया 50,000-1,00,000, छोटा मोटा अमाउंट उधार दिया जाता है। छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, छोटे पैमाने पर मतलब है कि भाई ज्यादा उधार नहीं देना, जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब जितना उधार दिया जाएगा वो अमाउंट क्या है, कम है, अमाउंट ज्यादा नहीं है, अमाउंट कम होगा। गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको स्वयं सेवी संस्था के द्वारा, स्वयं सेवी संस्था का मतलब होता है कोई ऐसी संस्था है बनी हुई और वो संस्था है उधार दे रही है। ऐसा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्या होता है, गलियों में एरियाज में लोग जाते हैं और ना महिलाओं को लोन देते हैं, 20,000 का लोन दे दिया, 30,000 का लोन दे दिया,
50,000 का लोन दे दिया। तो ऐसी संस्थाएं हैं जो जा करके के महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनके छोटे मोटे काम करवाने के लिए लोन देती है। तो कम ब्याज पर ब्याज कम होगा और साख और ऋण की व्यवस्था कराने वाली जो ऐसी संस्थाएं होती है वो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहलाती है, क्योंकि छोटे स्तर का या छोटे पैमाने पर कम अमाउंट वाला जो लोन है वो दे रही है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और एक निश्चित कानूनी मापदंड के लिए, देखो भाई कानून तो सबको मानना पड़ेगा, तो इनके लिए भी एक कानूनी मापदंड है कि भाई इन इन कानूनों का मानते हुए ही आप किसी को लोन दे सकते हो, आप किसी को साख, आप किसी को उधार दे सकते हैं। आपको उनको कानूनों को मानना पड़ेगा, अगर जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, और उनको मान करके ही आप ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को क्या है, उधार दे सकते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं के प्रकार। ठीक है, जो हमने बात करी वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, वित्तीय संस्थाएं हमने देखी कि ऐसी संस्थाएं जो कि उधार देने का काम करती है या हमारी जरूरतों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करती है, वह वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। अब वित्तीय संस्थाओं के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। पहली है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरी है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो दो स्तर की होगी, दो लेवल की होगी, एक होगी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और एक है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में पढ़ा है, एक हमने पढ़ी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। एक जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए है, एक राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए। उसी प्रकार से एक है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, ये पूरे राष्ट्र में है, पूरे देश में। और फिर दूसरी है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है, जो एक एक राज्यों में, बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में होगी, राजस्थान में होगी, वो राज्य स्तरीय है। ओके, तो एक राष्ट्र के स्तर पर होगी और एक राज्य के स्तर पर होगी। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो देखो, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों के निर्धारण एवं निर्देशन करती है, मतलब ऐसी संस्था जो देश के लिए, पूरे देश के लिए वित्तीय, फाइनेंस और साख उधार, इनकी नीतियों का क्या करती हो, निर्धारण करती हो कि भाई किन किन को हमें क्या करना है, वित्त देना है, किन किन को हमें उधार देना है, इस चीज का निर्धारण करना और निर्देशन करना, मतलब उन चीजों को चलाना, डायरेक्ट करना कि हाँ भैया ये ऐसा होगा, इसको इतना लोन दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो निर्धारण करना, निर्देशन करने वाला और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबंधन करने वाला, तो पूरे देश के लिए वित्त को मैनेज करने वाली जो संस्था होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के लिए वित्त से जुड़े हुए नियमों को बनाएगी, उनका निर्धारण करेगी, उनको निर्देशन करेगी। निर्देशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करेगी, चलाएगी उनको कि अब ये ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वित्त का प्रबंधन करेगी, पैसों का मैनेजमेंट करेगी। ये ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसमें हम दो की बात करेंगे, हम भारत करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट की, और जो दूसरा हमारा होगा वो है भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट की। तो राष्ट्रीय देखिए वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, और फिर इसमें भी जो है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं में वो होगी, जो काम यहाँ पर राष्ट्र के लिए हो रहा है वही संस्था क्या करेगी, राज्य के लिए करेगी। और हर राज्य में क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है गैर संस्थागत, इनमें कोई इनकी संस्था नहीं है, कोई इनका इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई संगठन इनका नहीं होता कि भाई एक है ये। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें महाजन आ जाएंगे, साहूकार आ जाएंगे, जो सेठ होते हैं गाँव में वो आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, उनसे भी तो हम पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। इसके अलावा फिर संस्थागत, मतलब संस्थागत है, इंस्टीट्यूशन है, उनका संगठन है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये सब कुछ राज्य स्तरीय में ये आ जाते हैं। इन्हीं के द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं में गैर संस्थागत और संस्थागत के द्वारा ही क्या है, साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यही लोग लोगों को उधार देते हैं, उनको साख देते हैं, उनको ऋण देने का काम करते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार का एक बिल्कुल कंप्लीट चार्ट मैंने आपको यहां पर दिखाया है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पहले करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार की, फिर बात करेंगे भारतीय पूंजी बाजार की, और फिर हम लोग जो बढ़ेंगे वो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की तरफ बढ़ेंगे। परंतु वित्तीय संस्थाओं के प्रकार का एक बार कंप्लीट जो फ्लो चार्ट है वो आपको यहां पर मिल गया है। वन शॉट का फायदा यही होता है कि जितना चीज होती है, जो बेस्ट टू बेस्ट है, वो आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए, शॉर्ट एंड स्वीट जो चीज है वो आप लोगों के सामने लेकर के आई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, या इसको हम लोग कहते हैं इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार। अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के
क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था में प्रबंधन किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, अपने देश के लिए मतलब हमारे देश के लिए मौद्रिक बाजार जहां है, मौद्रिक बाजार मतलब मॉनेटरी मनी, ठीक है, पैसे से जुड़ा हुआ बाजार, जहां उद्योग मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो व्यवसाय मतलब जो बिजनेस है उन क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, मध्यकालीन बीच का सा समय, ठीक है, मतलब जैसे आप मान लीजिए 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, तो बहुत कम समय के लिए, थोड़ा से ज्यादा समय के लिए वित्तीय व्यवस्था में प्रबंधन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। शब्दों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, किसी उद्योग के लिए, किसी व्यवसाय के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन, दीर्घकालीन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, अल्पकालीन और मध्यकालीन जो वित्तीय की व्यवस्था कराए जाते हैं ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। मतलब वह बाजार जहां पर उद्योगों और व्यवसायों को मध्यकालीन और अल्पकालीन के लिए मुद्रा प्राप्त कराई जाए वह बाजार क्या कहलाएगा, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाएगा। अब इस भारतीय मुद्रा बाजार में को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है संगठित क्षेत्र, ठीक है, एक कौन सा है, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें है वाणिज्य बैंक, ठीक है, जितने भी हम लोग बैंक देखते हैं कॉमर्शियल जो बैंक है वो सारे के सारे क्या है, वाणिज्य बैंक है। इसमें सारे आ जाएंगे, प्राइवेट वाले, सरकारी, सारे बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। अब इन्हीं वाणिज्य बैंक में क्या होता है, कोई प्राइवेट होता है, कोई सरकार का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, और कुछ बेटा विदेशी बैंक भी होते हैं जो दूसरे देशों के होते हैं पर वो हमारे देश में काम कर रहे होते हैं, ये सब शामिल किया गया है। असंगठित में क्यों ना जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए बेटा संगठित और असंगठित का मतलब आप पहले समझिएगा, संगठित का मतलब तो आपने बचपन से सुनते हुए आए होंगे कि संगठन में शक्ति होती है, मतलब सब एक होकर के रहते हैं, मतलब यहाँ पे सब संगठन में है, मतलब देखिए आज पूरा बैंकों का एक संगठन है, पूरा एक सिस्टम है बैंकों का, भाई ये बैंक खुलने से पहले ये काम करना पड़ेगा, बैंकों को इतना पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, इतनी रेट उधार पे देनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, और इन पर नजर रखने वाली एक संस्था भी है जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मतलब एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक संगठन है, ठीक है, संगठन मतलब पूरी एक टीम है उसको चलाने के लिए, पूरा एक सिस्टम उसको चलाने के लिए, तो ये संगठित क्षेत्र में आ जाता है। असंगठित में क्या है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नजर रखने वाला नहीं है, बिल्कुल बस चल रहा है वो अपनी मर्जी से चल रहा है, ठीक है, माय लाइफ माय रूल्स वाला सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, देसी बैंकर, जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होती है। तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होती है इसमें, जैसे महाजन, साहूकार, सेठ, दोस्त, ये सब भी इसमें ही आ जाएंगे। तीन प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। अब देखो संगठित क्षेत्र में कौन कौन आया, वाणिज्य, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, और अब इन संगठित क्षेत्र में जो तीन प्रकार की बैंकिंग है, तीन प्रकार की बैंकिंग कौन कौन सी बच्चों, पहली हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की, किसकी बात करेंगे, केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वाणिज्य बैंकों की, फिर हम बात करेंगे सहकारी बैंकों की। तो केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो ये जो तीन प्रकार की बैंकिंग है उसमें कौन कौन आ जाएगा, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। तो अब देखिए भारतीय मुद्रा बाजार का भी एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आप लोगों को यहां पर मिल गया। अब हम केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, और जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक, सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि आपको नाम से पता चल रहा है केंद्रीय बैंक मतलब एक सेंटर में होगा, और सेंट्रल में जो होता है बेटा वो एक ही होता है, सेंट्रल में जो होता है वो एक ही होता है, पूरे देश के लिए क्या, सेंट्रल में मध्य में है बेटा वो, तो सेंटर में तो पूरे देश के लिए एक ही होगा। तो जो पूरे देश के लिए जो बैंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए सर केंद्रीय बैंक कितने हैं, कौन कौन से हमारे केंद्रीय बैंक है, हर देश में केंद्रीय बैंक एक ही होता है, और हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में बोलते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई बच्चों 1 अप्रैल 1935 को। कैसे हुई थी, एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, उस किताब के आधार पर उस कमीशन, उस आयोग ने भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। बाकी डिटेल के लिए आपके पास लेक्चर है, आप उस लेक्चर्स को देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग
वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। देखो, किसी भी देश का जो भी केंद्रीय बैंक होगा वह यह काम करेगा। पहली बात तो यह शीर्ष बैंकिंग संस्था होती है। जो केंद्रीय बैंक होता है ना, वो उस देश का सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है। उससे ऊपर बैंकिंग में कोई नहीं है, सबसे बड़े बैंकिंग संस्था वो है। तो बैंकिंग से, वित्तीय से, आर्थिक से जितना भी सामान, जितना भी काम जुड़ा हुआ है, वो सारे काम की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय बैंक की है। ठीक है, केंद्रीय बैंक इन सारे कामों पर निगरानी रखेगा। उन सबके ऊपर जो बॉस है, उन सबके ऊपर जो हेड है, वो कौन होगा? केंद्रीय बैंक होगा। तो क्या कहा गया है, ये देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था है। शीर्ष का मतलब क्या, तो सबसे ऊपर, बिल्कुल टॉप पर होती है। तो के रूप में बैंकिंग के सारे काम किसके अंडर में आएंगे? इसके अंडर में आएंगे। तो जितने भी बैंक आपको दिखते हो, आप ये सोच लिया करो कि इन बैंकों का खाता कहां पर होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होगा। जैसे आप अपना खाता कहां पर खुलवाते हो? इन बैंकों में खुलवाते हो। केनरा में खुलवा लिया, एक्सिस बैंक में खुलवा लिया, एचडीएफसी में खुलवा लिया। इन सभी बैंकों का खाता कहां पर है? केंद्रीय बैंक में है बच्चा। इन सब लोगों का खाता कहां पर है? केंद्रीय बैंक में। कोई वित्तीय या आर्थिक क्रिया, ठीक है भाई, कितना उधार लिया है, कहां से लिया है, कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इन सब का जो संचालन जो होता है, निर्देश और संचालन में जो सहयोग देती है, वो केंद्रीय बैंक देती है। जब भारत सरकार भी अपना बजट लेकर के आती है, जब भारत सरकार भी कोई नीति बनाती है, तो केंद्रीय बैंक से पूछती है कि हमें किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए जिससे देश का आर्थिक विकास हो। तो क्यों? क्योंकि इनके पास निर्देश और संचालन का काम है कि भाई आप बताएं देश का किस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता है। तो ये केंद्रीय बैंक है, मतलब ये सबके हेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं वाणिज्य बैंक। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अब देश में अनेक वाणिज्य बैंक है, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, हर देश में होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है, के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। देखो, अब बैंकिंग का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि बैंक क्या होते हैं बेटा, देखो बेटा, बैंकों का दो काम मुख्य है जिसके कारण वो बैंक है। पहला, जमा को स्वीकार करना, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनके पास धन ज्यादा है, ठीक है, भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है उन पर, खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आता ही जा रहा है, तो उस पैसे को बैंक वाले की जिम्मेदारी है कि वो जमा कर लेते, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। तो जमा स्वीकार करना, और दूसरा ऋण प्रदान करना, ये दो काम किसके होते हैं? बैंक के होते हैं। तो बैंक वह संस्था होती है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को ऋण प्रदान करती है। ऐसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। और जो इस संस्था की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम लोग बैंकिंग कह देते हैं। तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग मतलब जमा को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, और वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो वित्तीय क्रियाओं में क्या आ गया? व्यवसाय के लिए, उद्योगों के लिए, इनके लिए पैसा उधार देना, तो ये बात तो मैंने बोली है, ऋण प्रदान करना। तो देश के अनेक वाणिज्य बैंकों द्वारा ये काम होता है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, अब इन वाणिज्य बैंकों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है बेटा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक। ये नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक है? जो कि सरकार के हैं, ठीक है, जो कि सरकारी बैंक होंगे। तो सरकारी बैंकों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहा जाता है। फिर दूसरा है निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक, सीमित दायित्व लिमिटेड, ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक होंगे जो प्राइवेट होंगे, ठीक है, जैसे आप एक्सिस बैंक देख लीजिए, ये प्राइवेट है, तो जो प्राइवेट बैंक होगा। और जनरली प्राइवेट बैंकों के आगे क्या लिखा हुआ होता है? लिमिटेड लिखा हुआ होता है, सीमित दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? जो जिम्मेदारी है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीमित है, मतलब इनके पास ज्यादा, देखिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन सबका खाता यहां पर है, ठीक है, सबका खाता यहां पर है केंद्रीय बैंक में, केंद्रीय बैंक हेड है। ये भी केंद्रीय बैंक के अनुसार काम करेगा, ये भी केंद्रीय बैंक के अनुसार काम करेगा, परंतु ये क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड होता है, मतलब इसके जो दायित्व है वो लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है, इसको थोड़ी कम जिम्मेदारियां होंगी इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए, निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र में क्या होता है? भाई आज मेरे पास जितना पैसा होगा, मैं उसी हिसाब से मेरा बैंक खोलूंगा ना, भाई मेरे पास इतना पैसा, तो मैं उसी हिसाब से बैंक चलाऊंगा, तो ज्यादा लिमिटेड दायित्व होता है इनका, एक्स्ट्रा में नहीं है, ठीक है। और सरकारी बैंक तो सरकार का, तो खूब धनी धन। फिर बात करते हैं सहकारी बैंक की। तो हमने बैंकिंग प्रणाली में तीन की बात करी थी, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। तो केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो पढ़ लिया, वाणिज्य बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक है वो पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं सहकारी बैंक, या जिनको क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। शब्द को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा जा रहा है? कोऑपरेटिव बैंक। क्या लिखा जा रहा है? कोऑपरेटिव बैंक, मतलब ऐसे बैंक जो कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव का या कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आज आपको कहूं, बच्चों मेरे साथ कोऑपरेट करिए, मेरे साथ कोऑपरेशन करिए, मतलब मेरी थोड़ी सी सहायता करिए, मेरे साथ मिलजुल करके आप काम करने की कोशिश करिए। जब हम कहीं नई नई जगह जाते हैं, हम जब कहीं नए नए ऑफिस में जाते हैं, हम कहीं किसी नए स्कूल में जाते हैं, तो क्या है? जो पुराने बच्चे होते हैं वो हो सकता है कि हमें परेशान करें और करें, तो टीचर क्या बोलता है? इसके साथ कोऑपरेट करना, मतलब मिलजुल करके आप सभी इसकी मदद करना। क्यों? क्योंकि ये नया बच्चा है, इसका होमवर्क कंप्लीट करवाने में, इसको कोई चीज नहीं समझ में आए तो समझाने में आप इसकी मदद करिएगा।
सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। तो सहकारिता क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आपसी सहयोग मतलब लोगों के खुद के सहयोग और सद्भावना के आधार पर, ठीक है भाई, अच्छी भावना है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको लोन देकर के उनको ऊपर उठाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सहकारिता के क्षेत्र में सहयोग, आपसी सहयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कोऑपरेशन को समझा देता है बेटा, आपसी सहयोग, मिलजुल करके सहयोग कर कर करके हमें काम करना है। तो आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। तो आज ऐसी बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर काम कर रही है हमारे देश में। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। यद्यपि ये बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर काम करती है, किंतु इसकी व्यवस्थाओं का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो ये बैंक देखो किसके अंडर में है, वैसे तो केंद्रीय बैंक की बात माननी पड़ेगी, केंद्रीय बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई नहीं ठुकरा सकता, केंद्रीय बैंकों की बात माननी पड़ेगी, उनके दिशा निर्देश पर काम करना पड़ेगा, परंतु उनका जो संचालन है, इनको जो चलाने का काम करती है वो कौन करती है, राज्य सरकार करती है। मतलब सीधा से ये है, रूल्स और रेगुलेशन जो है बैंकिंग को जुड़े हुए। देखो आपने क्या कहा, सहकारी बैंक, तो केंद्रीय बैंक भैया बैंकों का बैंक है भैया, ठीक है ना, वो इन सबके पिताजी है, और पिताजी की बात मानना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। तो केंद्रीय बैंक की तो बात माननी पड़ेगी, परंतु बाकी जो कुछ रूल्स हो वो सब कुछ राज्य सरकार बना सकती है उनके लिए, भाई आपको इतना लोन इस वर्ग को देना है, ठीक है, सरकार का भी सपोर्ट करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा फंडिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो कर सकती है, सरकार के द्वारा संचालित, राज्य सरकार के द्वारा संचालित होंगे, परंतु नियम कानून कायदे जो केंद्रीय बैंक के हैं वो भी मानने पड़ेंगे, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषक को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। तो उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं, ये जो उपयुक्त वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी, हम वाणिज्य बैंक की बात कर रहे हैं और हम सहकारी बैंक की बात कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक कभी डायरेक्ट किसी को लोन नहीं देता बेटा, केंद्रीय बैंक किसको दे सकता है, सरकारों को दे सकता है, परंतु केंद्रीय बैंक में आज मैं मुंह लेकर के चला जाऊं, सर 2 लाख रुपए लोन दे दो, नहीं, केंद्रीय बैंक में हमारा खाता नहीं है, हमारा बैंकों में खाता और बैंकों का खाता केंद्रीय बैंक में, तो केंद्रीय बैंक हमें लोन नहीं देगा, केंद्रीय बैंक किसी उद्योगपति को लोन नहीं देगा, ठीक है, वो तो सिर्फ सरकार को देता है, ठीक है। देखिए केंद्रीय बैंक में खाता किसका, वो बात सुनिएगा, केंद्रीय बैंक में भारत के सभी बैंकों का खाता है, केंद्रीय बैंक में सभी राज्यों की सरकारों का खाता है, केंद्रीय बैंक में भारत सरकार का खाता है, इन्हीं का खाता होता है, तो जिनका खाता होगा वही उधार ले सकता है, परंतु ले नहीं सकते। तो यहाँ पर उद्योगकर्ताओं को, जो उद्योग करने वाले हैं उन लोगों को, कृषक को मतलब किसान को, और इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है, वाणिज्य बैंक करते हैं और ये सहकारी बैंक करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक या जिसे हम कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक है वो। अब हम बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार की, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं में हमने भारतीय मुद्रा बाजार कंप्लीट कर लिया, ऐसी संस्था जो अल्पकाल और मध्यकाल के लिए उद्योगकर्ताओं को, उद्योगों को, इनको क्या है, लोन देने का काम करती है, वो भारतीय मुद्रा बाजार है, वो ऐसी संस्था है। उस भारतीय मुद्रा बाजार में हमने 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार, या जिसको क्या कहा जाता है बेटा, इंडियन कैपिटल मार्केट, क्या कहा जाता है, इंडियन कैपिटल मार्केट, कौन सा मार्केट है, इंडियन कैपिटल मार्केट, दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई भारतीय मुद्रा बाजार में और भारतीय पूंजी बाजार में बड़ा डिफरेंस क्या है, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है अल्पकाल और मध्यकाल के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब कम समय के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, परंतु भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट, दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। यह मध्यकालीन अल्पकालीन तो नहीं है, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा, काल मतलब समय, तो लंबे समय के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है। मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। तो अब यहां से पैसा कौन लेता है, जो बड़े बड़े उद्योग घराने जिनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, करोड़ों में पैसा चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं करोड़ों का पैसा आप 2 साल में 3 साल में उतार दोगे, 3-4 साल तो फैक्ट्री बनने में चली जाएगी, तो भाई लंबे समय के लिए मुझे पैसा चाहिए, 20 साल 25 साल लंबे समय के लिए मुझे पैसा चाहिए, तभी तो मैं उतार पाऊंगा। तो इनमें कौन मांग करता है, जो बड़े बड़े घराने होते हैं, उद्योग बनाने वाले होते हैं, वो मांग करते हैं, और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए, ठीक है भैया, भाई सरकार कोई निर्माण कार्य करवा रही है तो वो मांगती है यहाँ से पैसा। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड, बैकबोन माना जाता है। तो जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, चाहे वो भारतीय मुद्रा बाजार की हो, चाहे वो भारतीय पूंजी बाजार की हो, उनको देश का मेरुदंड माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। बैकबोन से यहाँ पर आप क्या समझते हो, ये भैया आपके हमारी बैकबोन है, ठीक है, आप सभी को पता है बैकबोन मतलब जो पीछे जो हमारी बोन है, इस वाली बोन की बात करी जाती है। ये बैकबोन क्या है, आज ये है तो हम लोग क्या है, बिल्कुल सीधे खड़े हो पाते हैं, सीधे बैठ पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ परेशानी हो जाए तो मैं यूं का यूं झुकी जाऊंगा ना,
ठीक है, मैं ना सही से सो पाऊंगा ना और बैठ पाऊंगा, काफी समस्या हो जाएगी। तो ये बैकबोन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये बैकबोन फिर सीधा यहां तक हमारे से सीधा कनेक्टेड हो रही है, तो मतलब हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन में बैकबोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी तुलना करी गई है भारत की वित्तीय व्यवस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से, कि वित्तीय संस्था है तो देश मजबूत से खड़ा हो पाता है, अगर वित्तीय संस्थाएं नहीं होंगी तो देश कमजोर पड़ जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो। तो किसी भी देश की वित्तीय संस्थाओं को उसकी बैकबोन, उसका मेरुदंड कहा जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। अगर हमें देश का आर्थिक विकास करना है, अगर हमें देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमें देश को बिल्कुल विकास के उच्च स्तर पर लेकर के जाना है, मतलब जहां पर प्रगति हो, जहां पर सुधार हो, ऐसे अगर लेकर के जाना है तो सुसंगठित मतलब पूरा एक अच्छे तरीके से। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है। क्या आ जाता है ना? सपूत और कपूत, ठीक है, अच्छा बेटा बुरा बेटा। तो सुसंगठित, संगठित का मतलब क्या था? एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे तरीके से, एक पूरा सिस्टम हो, कोई भी काम चल रहा हो तो पूरा सिस्टम चल रहा हो। हाँ भाई, पहले ये होगा, फिर उसके अंडर में ये होगा, इसके अंडर में ये होगा, इनको पैसा यहां से आएगा, इसको पैसा यहां से जाएगा, पूरा एक संगठन है। कहीं पर भी गलती हुई तो इसको पूछा जाएगा, इससे जवाब नहीं मिला तो इसको पूछा जाएगा, पूरा एक अच्छे से, पूरा एक सिस्टमेटिकली, एक संगठित सिस्टम का वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। तो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि सुसंगठित वित्तीय संस्थाएं हों। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है, उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। तो भारत में आपको गर्व करने की बात होनी चाहिए कि भारत में एक अच्छा सुसंगठित पूंजी बाजार है, अच्छे से एक पूंजी बाजार चल रहा है, और वो पूंजी बाजार कहां चल रहा है? भारत की वित्तीय राजधानी में। और अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है एमसीक्यू के लिए कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई है। भारत की जो विधायिका राजधानी है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। भारत की जो कार्यपालिका या भारत की न्यायपालिका की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो भी न्यू दिल्ली है। परंतु भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई है। और मुंबई में जिस जगह पे पूंजी बाजार है उस जगह को क्या कहा गया है? दलाल स्ट्रीट कहा गया है। कौन सी स्ट्रीट कहा गया है? दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। अब देखो, हमने वित्तीय संस्थाओं के प्रकार की बात करी थी, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार में हमने राष्ट्रीय स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की बात करी। राष्ट्रीय स्तरीय वित्तीय संस्थाओं में हमने भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो अब देखो, संस्थाओं के प्रकार में हमारा एक पूरा हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय स्तरीय वित्तीय संस्था है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों के बारे में विस्तार से और विस्तृत में पढ़ लिया है। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है, जो कि राज्य के स्तर पर है, स्टेट के स्तर पर है। ऐसी वित्तीय संस्थाओं की हम लोग बात करने जा रहे हैं। गैर संस्थागत, अब यहाँ पर क्या होंगी? दो है, हमने पढ़ा था गैर संस्थागत और संस्थागत, यही साख को ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। मतलब अब आप सोचिए कि उस एक फ्लो चार्ट से आपका पूरा एक टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। ये फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस है। और अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी कोशिश करिए ऐसे फ्लो चार्ट बनाने की। अब आप क्या कर सकते हैं कि उस भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के नीचे और पॉइंट्स लिख करके आप एक पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट आप तैयार कर सकते हैं। गैर संस्थागत, महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। देखिए, अब जब हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम बैंक जाने से थोड़ा सा कतराते हैं या डरते हैं। क्यों कर डरते हैं? बैंक में जाएंगे, बैंक वाला बोलेगा साहब ये डॉक्यूमेंट ला करके दो, बैंक वाला बोलेगा साहब ये डॉक्यूमेंट ला करके दो, जमीन कितनी है, वो कितना है, मतलब बहुत से लफड़े होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती है। तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं? जनरली गांव में ऐसा होता है तो क्या सोचते हैं? जो बहुत बड़ा सेठ है या महाजन, सेठ, साहूकार कौन होता है? जो पैसे देने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब उनके पास ले जाएंगे, सेठ जी राम राम, नमस्कार सर जी, नमस्कार। अब गांव का होता है तो जानते हैं, हाँ बोल भाई बोल, कैसे आना हुआ तेरा? बोला सेठ जी थोड़ा सा कृपा चाहिए थी आपकी। हाँ बोल बोल, कितनी चाहिए? सेठ जी ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस 50,000 रुपये की कृपा चाहिए। बोले ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई मुनीम, 50,000 रुपये ला करके दे। 50,000 रुपये कितने महीने में? 6 महीने में। ठीक है भाई, 6 महीने का 10,000 ब्याज होगा, दे देना, 60,000 रुपये लौटा देना। अब इन सेठ साहूकार ने ना तो कोई कुछ मांगा ना और कुछ करा, पर बस वो पैसा दे दिया। जनरली काफ़ी बार नहीं मांगते, काफ़ी बार ले भी लेते हैं कि भाई आप अपनी ज़मीन के कागज गिरवी रखो, आप सोने की चीज़ें गिरवी रखो, कुछ भी रखवा लेते हैं वो। पर ये पढ़ाई, ये कुछ जब लिखा नहीं जाता है तो कभी कभार क्या होता है, सेठ साहूकार भी चीटिंग कर लेता है। अच्छा तुम 50 लिए थे, गलत बोल रहा, तुम 70,000 लिए थे और मैंने तुझे 20,000 का ब्याज बोला था, तू झूठ बोल रहा पैसे दे, ठीक है। तो सेठ साहूकार महाजनों के पास लोग चले जाते हैं और आसानी से पैसा वहां से उनको मिल भी जाता है। वहां से नहीं मिलता तो हम हमारे रिश्तेदारों से ले लेते हैं, और हम जिस एज में आप हो वहां तो जनरली दोस्तों से, यार 20 रुपये आज उधार दे यार भाई, कल दे दूंगा, फिर देते नहीं हो, ठीक है। अब गैर संस्थागत में कुछ बातों को हम समझने की जरूरत है। पहला है ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब क्या हुआ? ऋण का मतलब क्या होता है? उधार। और उधार का जो आधार है, भाई मैं आपको उधार दूं तो दूं क्यों? आज अगर मैं सेठ भी हूं, मैं महाजन भी हूं, मैं व्यापारी भी हूं, कुछ भी हूं मैं, ठीक है, पर मैं आपको उधार क्यों दूं?
क्यों दो भाई सर, मुझे जरूरत है इसलिए पैसा दो। परंतु अगर आपने कल को मेरा पैसा नहीं लौटाया तो इसलिए कुछ ऐसी चीज तो देकर के जाओ जिससे कि अगर आप कल को पैसा नहीं लौटाओ तो मैं उस चीज को बेच करके अपनी बना सकूं। तो इसलिए क्या करा जाता है, कुछ चीज गिरवी रखी जाती है। जनरली क्या होता है, सोने के जो गहने होंगे वो गिरवी रख दिए जाएंगे, जमीन के जो कागज है वो गिरवी रख दिए जाएंगे। अब जितना समय का टाइम होता है, भाई एक साल में मैं पैसा लौटा दूंगा, अगर नहीं लौटाता हूं तो उस सेठ या महाजन या साहूकार जिससे भी मैंने पैसा लिया उसके पास पूरा पूरा अधिकार है कि साहब वो मेरी जमीन को, मेरे सोने को, गहने को, चांदी को, जिसको बेच करके उस पैसे की भरपाई करना चाहे वो कर सकता है। तो सबसे पहला है ऋणाधार, उधार का आधार, कि भाई इस आधार पर मैं आपको क्या दे सकता हूं, उधार दे सकता हूं। व्यक्ति से जमीन, जेवर, जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। तो किसी भी चीज को गिरवी रखा जा सकता है। अगर आपने पैसे लौटा दिए समय पर तो वो सामान आप अपना वापस ले जा सकते हो, नहीं लौटाए तो वो उन सामानों का खुद के लिए इस्तेमाल कर लेगा, उनको बेच देगा, उनको गला देगा, मतलब उनको बेच देगा और उनसे अपने पैसे की भरपाई कर लेगा। और जनरली क्या होता है, जो ऋणाधार होता है, जो उधार का आधार होता है, जो चीज गिरवी रखी जाती है, जितना आप उधार ले रहे हो ना उससे ज्यादा की कीमत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मैंने 50,000 का उधार लिया और मैं कोई गहने इतने रख के आ रहा हूँ जिसकी कीमत 10,000 है, तो थप्पड़ मार के मुझे वापस भेज देगा। कम से कम अगर 50,000 भाई मैं ले रहा हूँ तो 75,000 तक की उन गहनों की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि कल को इस पर ब्याज भी लगेगा तो ब्याज भी नहीं लौटाएगा, तो मुझे पूरी भरपाई होनी चाहिए। ऐसा ही बैंक करते हैं। अगर बैंकों के पास भी हम लोन लेने जाते हैं और अगर वो कुछ गिरवी रख पाते हैं तो ये देखते हैं, वो 30% का मार्जिन रखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपने 70,000 मांगे हैं तो उस चीज की कीमत 1,00,000 तक की होनी चाहिए, 1,00,000 तक की होगी तभी आपको 70,000 मिलेंगे, ओके। और अगर आपने 2,00,000 मांगे हैं तो 2,00,000 मांगेंगे तो फिर उस हिसाब से वो 2,60,000 तक का आपसे कोई चीज गिरवी रखवाएंगे। फिर बात करते हैं ब्याज दर, ठीक है। ब्याज दर का मतलब क्या होता है कि भाई जितना पैसा आप लेकर के जा रहे हो उस पर कुछ ना कुछ तो मैं ब्याज लूंगा। भाई मुझे क्या प्रॉफिट है, एक तो मैं खतरा ले रहा हूँ कि मेरी जान, जितना पैसा मैंने मेरी जी जान लगा के कमाया था वो आज आपको दे रहा हूँ, तो उस पर कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ब्याज दर तय होती है, ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफी ज्यादा होती है। तो सेठ, साहूकार, महाजन इन बैंकों से बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, ठीक है, खूब पैसा इनसे लेते हैं। पर बैंक क्या है, बैंक अगर मान लीजिए 4%, 5%, 7% पर उधार दे रहा है तो ये लोग बहुत ज्यादा, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा पैसा ब्याज में लेते हैं। और कभी कभार तो क्या करते हैं ये सेठ, महाजन, साहूकार क्या करते हैं, बैंक से जाकर के सस्ते में उधार लेकर के आ जाएंगे। वो उधार ला करके अपने गांव में जिन जिन लोगों को जरूरत है उनको बहुत ज्यादा महंगी दर में उधार देते हैं, ठीक है भाई साहब 10,000 रुपये हर महीने 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का ब्याज लगेगा, 3,000 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। मतलब कभी कभार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जो व्यक्ति उधार लेता है ना उससे ज्यादा तो उसका जो ब्याज है वो चला जाता है, इतनी ज्यादा ब्याज दर ये लोग लगाते हैं, ठीक है, जो कि गलत बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार का जो ऋण लेते हैं वो लगभग 48% है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा सा बैंकों में जाने से कतराते हैं, बैंकों में जाने से कि नहीं साहब बैंक की जगह हम सेठ से, साहूकार से, महाजन से, इन्हीं से उधार ले लेते हैं, हम बैंकों में जाकर के क्या करेंगे। तो ये गैर संस्थागत जो बात थी वो हमने करी। अब हम बात करते हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत की, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें किस प्रकार से होता है। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें हम लोग 6 संस्थाओं की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो है सहकारी बैंक। सबसे पहले कौन सा है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये सारी जो संस्था है वो राज्य के स्तर पे काम करती है, राष्ट्र के स्तर पे नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक इनको कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। तो सहकारी बैंक में क्या होता है, जो समान आर्थिक उद्देश्य, जिनका सबका आर्थिक उद्देश्य एक हो, एक जैसा उनका आर्थिक उद्देश्य हो, वो सब साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो समिति बना लेते हैं। जैसा अब क्या होगा, आप सब आज क्लास 10th में हो इसलिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सबको सोशल पढ़ना है इसलिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप सबका जो उद्देश्य है वो सेम है कि भाई क्लास 10th की सोशल पढ़ना है, इसलिए आप एक ही वीडियो को सब साथ बैठ करके देख सकते हो। परंतु कोई बच्चा 11th का हो, कोई 12th का हो, कोई 9th का, तो वो मेरी क्लास नहीं देखेगा। तो आर्थिक उद्देश्य या जो उद्देश्य हो वो सेम होने चाहिए। तो यहां पर कौन से उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य सेम होने चाहिए। ऐसे लोग साथ मिलकर के एक समिति, एक ग्रुप अपना बना सकते हैं। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय है। हमारे राज्य का मतलब क्या है, यहां पर बिहार में, तो बिहार में जो सहकारी बैंक हमें सुविधा देता है, जो साख व्यवस्था हमारे पास है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर है, 3 लेवल पर है हमारे पास। कौन कौन सी, गांव में क्या कहा जाता है, प्राथमिक सहकारी साख समिति,
गांव में क्या कहा जाएगा, प्राथमिक सहकारी साख समिति स्थापित करी गई है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित करा गया है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक स्थापित करा गया है। मतलब ये सभी गांवों में काम करेगी, ये हर एक एक जिला में एक एक होगी और ये पूरे राज्य में क्या होगी, एक होगी। ये आपने वो देखा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है ना, तो ग्राम पंचायत हर गांव में है, फिर कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति और पूरे जिले में जितनी भी पंचायत समिति है उनसे मिलाकर के जिला परिषद बनाया गया। तो यहां पर हर गांव में क्या खोली गई, प्राथमिक सहकारी समिति खोली गई, ठीक है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो खोली गई हर जिला में, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक खोले गए, हर राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक खोले गए हैं। बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने का काम करते हैं। अब देखिए इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पर जो सहकारी बैंक है किस प्रकार के ऋण बिहार के किसानों को देने के काम कर रहा है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन, तीनों प्रकार के ऋण देने का काम कर रहा है भाई, कम समय के लिए, थोड़ा मध्य समय के लिए और बहुत ज्यादा समय के लिए, तीनों प्रकार के ऋण देने के लिए किसानों के लिए काम यहाँ पर सहकारी बैंक करता है। राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है, ध्यान देखिएगा 25 केंद्रीय सहकारी बैंक मतलब जिला स्तर पे, तो टोटल आपके बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें मिलाकर कितने बैंक है, 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है और पूरे राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक है जो कि पूरे राज्य के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर काम करता है। तो यह सहकारी बैंक के संस्थागत वित्तीय स्रोत में सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा है, जहां पर समान आर्थिक उद्देश्य के लोग मिलकर करके क्या है काम करना चाहते हैं तो समिति बना सकते हैं, और बिहार में किस प्रकार से सहकारी बैंक काम कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। अब दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां, कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। अब देखिए, अब यहां पे जो सहकारी बैंक है वो अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल तीनों प्रकार के लोन प्रोवाइड कराते हैं, परंतु प्राथमिक सहकारी जो समिति है वो कैसे है, अल्पकालीन ऋण ही की आवश्यकता पूर्ति करती है, वो तीनों मध्यकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल तीनों प्रोवाइड करा रहे हैं, परंतु ये वाले हैं जो ये अल्पकाल के प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए इससे आप आराम से एक डिफरेंशिएट करके आप एक आराम से टेबल भी बना सकते हैं कि कौन सी जो बैंक है, कौन सा जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, तो कोई भी गांव या किसी भी एरिया के कम से कम जो 10 व्यक्ति है वो मिलकर के एक क्या बना सकते हैं, प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, प्राथमिक साख समिति बना सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती है, तो इन समितियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा कि प्राथमिक साख समितियों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक कृषि साख समितियां कहा जाता है, पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन। ये उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन एक वर्ष के लिए ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या करते हैं, ये उत्पादक कार्यों के लिए, उत्पादक कार्यों का मतलब क्या है, उत्पादन करने के लिए, भैया आपको छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हो, ठीक है, आप खेती बाड़ी का काम धंधा कर रहे हो, इन सबके लिए क्या है अल्पकालीन लोन दिया जाएगा, मतलब एक वर्ष के लिए लोन दिया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या कर दिया जाता है, इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष या 3 साल की कर दी जाती है। फिर तीसरा है हमारा भूमि विकास बैंक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, इसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले सहकारी बैंक, वो अल्पकाल, मध्यकाल, दीर्घकाल तीनों प्रकार के लोन दे रहा है, उसके बाद हमने पढ़ा सहकारी समितियां, वो दे रही है अल्पकाल के लिए लोन, और अब भूमि विकास बैंक या जिसको कहा गया है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण, किसको ऋण देने के लिए है, किसको उधार देने के लिए, किसानों को, कैसा, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए है, और इसको क्या कहा जाता है, भूमि बंधक बैंक कहा जाता है, जिसको कि अब क्या कहने लगे हैं, भूमि विकास बैंक कहने लगे हैं। ये किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो लोग जो किसानों की भूमि है उसको बंधक रख लेता है, मतलब गिरवी के तौर पे जो है किसान की भूमि रख लेता है, मतलब भाई उसके जो कागज है उस भूमि के वो अपने पास रख लेगा, और फिर आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल जब तक के लिए जितना पैसा उधार चाहिए वो पैसा ये बैंक देने का काम करता है, और अगर आपने बैंक का पैसा नहीं लौटाया तो वो आपकी जमीन चली जाएगी, परंतु उस जमीन को अपने पास, उसको गिरवी रख कर करके, जमीन के कागज भूमि विकास बैंक को देकर के, तो भूमि विकास बैंक क्या कर लेता है, जमीन के कागज तो अपने पास रख लेता है, परंतु 20 साल 25 साल तक के लिए क्या है किसान को पैसा दे देता है, जिससे कि वो अपनी भूमि का सुधार कर सके, अपनी भूमि की जो फर्टिलिटी, अपनी भूमि की उत्पादकता है उसको बढ़ा सके, उसके लिए अच्छे बीज खरीद सके, उसके लिए अच्छे कीटनाशक, अच्छे जो खाद है वो सब कुछ खरीद सके। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। तो जो प्राथमिक इकाई है, जो शुरुआती इकाई है भूमि विकास बैंक की,
उसको सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। और राज्य के स्तर पर कौन सा राज्य भूमि विकास बैंक काम कर रहा है। फिर बात करते हैं फोर्थ व्यावसायिक बैंकों की और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। तो देश में क्या है, नीति आई कि बैंकों पर किसका नियंत्रण होगा, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर सरकार का कंट्रोल होगा। बैंकों पर किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। ये नीति 1968 में आई। उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी का दौर था, तो उन्होंने काफी बैंकों को क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको सरकारी बैंक बना दिया। तो ये सरकारी बैंक बनने के बाद क्या हुआ है कि ये व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, किसानों को ऋण दे रहे हैं, किसानों को उधार देने का काम कर रहे हैं। और जैसे अगर मैं किसी दूसरे काम के लिए उधार लेता हूं, उस पर मुझसे क्या होगा, ब्याज ज्यादा लिया जाएगा, परंतु अगर मैं एक किसान हूं, किसान के तौर पर अगर मैं उधार लेता हूं, तो मुझसे क्या है, कम ब्याज लिया जाएगा। तो व्यावसायिक बैंक भी किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम बिहार में कर रहे हैं। फिर आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। तो सीमांत एवं छोटे किसानों, सीमांत का मतलब क्या होता है, जो मार्जिनल हो, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल हास्य पर हो, मतलब जो बिल्कुल कॉर्नर पर हो, मतलब जो बहुत पिछड़े हो, ऐसे किसानों को, छोटे किसानों को, कोई कारीगर का काम करता है, कोई मजदूर है, किसी भी कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या खोले गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए, ठीक है, हर ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया है। कब खोले गए, इसकी शुरुआत कब हुई, 1975 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1975 ईस्वी में स्थापित हुए हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। देश में अब भी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो अब भी टोटल भारत में कितने हैं, 196, ठीक है, RRB है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको कहा जाता है। और जिस साल में स्थापना हुई थी, उसी साल में एक बिहार में भी खोल दिया गया था बच्चों। फिर उसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्ण वित्त रीफाइनेंसिंग प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। देखिए, अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ये क्या करेगा, देश में कृषि का विकास करने के लिए और ग्रामीण विकास करने के लिए क्या करता है, फिर से पैसा देता है, रीफाइनेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब आप अपन लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो राज्य स्तरीय जो संस्थाएं थी उसमें संस्थागत पढ़ रहे हैं, और संस्थागत में हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, तो ये जो 6th है ये लास्ट होगी। तो जो चार्ट था उस चार्ट में ध्यान रखिएगा, हमने क्या बात करी थी, वित्तीय संस्थाओं के जो प्रकार है, एक राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर में हमने भारतीय मुद्रा और भारतीय पूंजी बाजार की बात करी, फिर राज्य स्तरीय था, राज्य स्तर में हमने गैर संस्थागत को पढ़ लिया, महाजन, साहूकार, इन सब की, और फिर संस्थागत में हम लोग 6 के बारे में बात करें, जिसमें सहकारी बैंक हो गया, प्राथमिक समितियां हो गई, ठीक है, ये व्यावसायिक बैंक, ये सब कुछ हो गए। और अब जो 6th है वो कौन सा है, नाबार्ड है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो पुणे किसानों को ये सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये नाबार्ड क्या काम करता है, नाबार्ड क्या करता है, जितने भी सरकारी संस्था हैं या कोई व्यावसायिक बैंक है या कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनको क्या करेगा, पैसा उपलब्ध कराएगा। किस लिए उपलब्ध कराएगा, कि वो फिर से क्या कर सके, किसानों को पैसा दे सके, फिर वो किसानों को पैसा दे और किसान अपना विकास कर सके। ये नाबार्ड का लोगो दिखा है। तो यहां तक हमारी जो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार थे वो प्रकार भी पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यावसायिक बैंकों का कार्य। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, तो उसमें इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत है कि व्यावसायिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं। ये जितने भी आप बैंक देखने को मिलते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो देखने को मिलते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इनके क्या काम है, इनके बड़े ही महत्वपूर्ण काम है। आइए कौन कौन से काम है जानते हैं। सबसे पहला जो इनका काम है वो है जमा राशि को स्वीकार करना। इनके हम लोग 4 कामों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जमा राशि को स्वीकार करना। अब देखिए, मैं अब आपको एक बात बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये बैंक है, ओके। अब हम लोग पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भैया किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, किसी भी व्यक्ति की अगर आय होती है, उसके 2 ही भाग होते हैं। एक भाग तो जाता है उसका उपभोग में, मतलब खाने पीने में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और किसी चीज़ों की जिनकी आवश्यकता, उनको खरीदने में इस्तेमाल कर लिया। जो पैसा बाकी रह गया वो क्या हो जाता है, उसकी बचत हो जाता है। बचत कह सकते हो, या आप उसको निवेश कर दो तो निवेश कह सकते हो। अब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जो आय है, उसके 2 ही भाग होते हैं, या तो वो उपभोग करता है, या उसको बचत या निवेश में होता है। जो पैसा मैंने खा लिया, जो मैंने पैसा खत्म कर दिया, वो खत्म हो गया, बाकी जो रह गया वो मेरी बचत है। जनरली जब हम उसको बचत को बैंकों में जमा कराते हैं, तो वो निवेश भी हो जाता है और हमारी बचत भी हो जाती है। तो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनके पास ज्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है जो कि बचा हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, बैंकों में जाकर के पैसा जमा कराते हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी 10,000 है, मेरा खर्चा 6,000 है, तो मैंने 4,000 रुपए क्या कर दिए, बैंक में जमा करा दिए। अब बैंक मुझे क्या फायदा होगा, तो पहली बात मुझे फायदा यह होगा कि भाई मेरा बैंक में पैसा सुरक्षित है, मैं बैंक को कह दूं नहीं साहब मेरे पैसे लाओ। दूसरी बात, मैंने इतने दिनों तक बैंक को पैसा दे रखा, तो बैंक मुझे कुछ ना कुछ ब्याज देगा, कुछ ना कुछ उस पर प्रॉफिट देगा, तो वो ब्याज मुझे देता है। तो मैंने इनको क्या करा, इनको जमा करवाया और उन्होंने मुझे क्या करा, ब्याज दिया। अब आप सोचोगे कि सर जी आपको तो दो दो फायदे हो गए, एक तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहा और दूसरा आपको उस पर प्रॉफिट भी मिल गया, आपको उस पर ब्याज भी मिल गया, पर बैंक को क्या फायदा, बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहा गुरु जी? तो वो इसका ये कारण है, मैंने जमा कराया, फिर आपने जमा कराया, फिर और किसी ने जमा कराया, फिर किसी और ने जमा कराया, खूब पैसा इनके पास आ जाएगा, फिर उसी पैसे को ये लोग क्या करते हैं, उधार में देते हैं। फिर एक कोई भाई गया, उसने बोला साहब मुझे 5,00,000 रुपये चाहिए, उधार दे दो। हाँ बोले ले लो ले लो। अब उसको उधार दिया है तो उससे ब्याज लेंगे, बोले हाँ भाई ब्याज दे, तुझे पैसा उधार दे रहे हैं, बोले ठीक है। अब ये बैंक को क्या करेगा, ब्याज दे देगा, ठीक है। और ये यहाँ पर बैंक जितना हमें ब्याज देता है उससे ज्यादा उधार देने वालों से लेता है। अगर मान लीजिए मुझे 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज के दे रहा है, तो वो 100 रुपये अगर उनको देगा तो 10 रुपये ब्याज के कमाएगा। अब देखो मुझे कितने दिए, 5 रुपये दिए और खुद ने 10 रुपये कमाए, और 10 में से 5 मुझे दे देगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, वो 5, वही बैंकों का लाभ होता है। तो बैंकों को इस प्रकार से प्रॉफिट होता है, वो जनता से पहले पैसा लेते हैं, फिर उसी पैसा को जनता के बीच में बांट देते हैं और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करी जाती है। तो सबसे पहला जो काम है इनका वो है जमा राशि को स्वीकार करना। अगर किसी बैंक के पास जमा राशि ही नहीं होगी, किसी बैंक के पास अगर पैसा आएगा ही नहीं, तो वो उधार क्या देगा। तो सबसे पहला जो काम है वो जमा राशि को स्वीकार करना, अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो काम अगर बैंक का है, तो वो अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से जमा के रूप में स्वीकार करना कि हाँ भाई आप अपना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करता है, ठीक है। और ये बैंकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर उनको लाभ मिलता है। लाभ कैसे मिला, मैंने क्या कहा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनको 100 रुपये जमा कराए और इस 100 रुपये में इन्होंने मुझे 5 रुपये क्या दिए, ब्याज दिया, मतलब जब मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे 105 रुपये मिलेंगे, ठीक है, मतलब पूरे साल के 5 रुपये पूरे साल के हैं। और अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये किसी को उधार दिए, तो ये इनसे कितना ब्याज लेंगे, 10 रुपये लेंगे, मतलब अब ये इनको पैसे लौटाएगा तो कितने लौटाएगा, 110 लौटाएगा, मतलब इनके पास वापस पैसे कितना आए, 110 आए, और इन्होंने मुझे वापस कितने लौटाए, 105 लौटाए। ये जो 5 रुपये है ना बेटा, ये 5 रुपये इनका प्रॉफिट है, ये इनका लाभ है, इसी से ही बैंक फल फूल रहे हैं, इसी से बैंक आगे बढ़ रहे हैं। 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करता है। अब जितने भी वाणिज्य बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो 4 प्रकार से क्या करते हैं, जमा राशि को स्वीकार करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी जमा। स्थायी जमा को फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है, ठीक है, स्थायी है वो, फिक्स्ड है, एक निश्चित अवधि के लिए भी जमा किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, स्थायी जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट इसको कहा जाता है, इसको शॉर्ट में FD कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है कि हम एक अमाउंट लंबे समय तक एक फिक्स टाइम के लिए क्या कर देते हैं, जमा करा देते हैं। जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है, जैसे लड़कियों की शादी करनी होती है, किसी बच्चों की एजुकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, भाई ये 10,00,000 रुपये है, 10,00,000 रुपये मैंने बैंक में गया, FD करवाया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब 5 साल तक वो 10,00,000 किसके पास रहेंगे, बैंक के पास रहेंगे। अब एक तो बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को ये फायदा हुआ कि साहब अब 5 साल तक कोई व्यक्ति 10,00,000 रुपये मांगने नहीं आएगा, क्योंकि उसका फिक्स डिपॉजिट हो गया, और बैंक उस व्यक्ति को जितना दूसरों की तुलना में ज्यादा ब्याज देगा, क्योंकि 5 साल तक 10,00,000 रुपये बैंक के पास पड़े हैं यार, तो एक अच्छा खासा इस पर ब्याज मिलता है। स्थायी जमा का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक बड़ा अमाउंट जमा करा देना, ठीक है। भाई मैं गया बैंक में, मैंने बोला सर ये 10,00,000 रुपये है, 5 साल के लिए मेरी FD कर दो, मतलब 5 साल से पहले मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा, अगर निकालना पड़ा तो मुझे थोड़ा सा इसमें नुकसान होगा, थोड़ा सा पैसा बैंक काटेगा, ठीक है, परंतु वैसे जनरली लोग निकालते नहीं है, तो 5 साल तक के लिए मैंने FD करा ली, 5 साल तक वो 10,00,000 रुपये बैंक में रहेंगे, और जिस दिन मैं निकालूंगा उसमें मुझे एक अच्छा खासा ब्याज के साथ, मतलब 11-12 लाख रुपए तक का मिलेगा, 1-2 लाख रुपए मैं 5 साल में आराम से कमा लूंगा। सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, तो इसको सावधि जमा मतलब अवधि, ठीक है, सर अवधि के साथ वाला जमा, एक टाइम पीरियड के साथ, टाइम के साथ डिपॉजिट करा रहे हो कि भाई 5 साल के लिए मैं जमा करा रहा हूँ, इसलिए इसको क्या है, टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। और फिक्स डिपॉजिट इसलिए कि एक बार डिपॉजिट करा दिया, एक बार जमा करा दिया तो फिक्स हो गया कि भाई 5 साल तक मैं नहीं निकालूंगा। बैंक आकर्षक ब्याज भी देता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, इसीलिए लोग क्या है इसमें जमा भी कराते हैं कि भाई अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा। तो जिनके यहाँ पे दो काम लोगों के सिद्ध हो जाते हैं, एक तो उनको अच्छा खासा पैसा ब्याज मिल जाता है, और दूसरा एक टाइम के लिए बाद उनको एक साथ अच्छी इनकम वहां से, एक अच्छा खासा पैसा उनको वहां से मिल जाता है, जो काम सफल भी हो जाता है आगे। फिर दूसरा होता है चालू जमा, या जिसको करंट डिपॉजिट कहा जाता है।
रुपया जमा कराने वाले अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा कराता है और अथवा निकाल भी सकता है। तो चालू जमा जिसको करंट डिपॉजिट कहा जाता है, तो लोग अपनी इच्छा से रुपये जमा कराते हैं और अपनी इच्छा से निकाल लेते हैं। इस पर साधारण ब्याज मिलता है, ना तो ज़्यादा कम मिलता है ना ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। इसको मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट क्यों? जब मुझे जो मैंने जमा करा रखा है, जब मैं मांग करूंगा, जब मैं डिमांड करूंगा, मैं निकाल लूंगा। भाई मैंने मान लीजिए चालू खाता खुलवाया, 20,000 रुपये मेरे बैंक में मैंने जमा करा रखे हैं, जरूरत हुई 5,000 की, मैं 5,000 निकाल लूंगा। मांग करी मैंने 5,000 की और 5,000 मेरे पास आ गए, तो इसलिए इसको क्या है, मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। तीसरा है बच्चों संचयी जमा। रुपया जमा कराने वाला जब चाहे रुपया जमा करा सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है। इसको क्या कहा जाता है, सेविंग अकाउंट कहे जाता है बेटा। तो यहाँ पे जमा कराने वाला चाहो जितना करवा लो, परंतु निकालने की एक है कि भाई आप एक दिन में 20,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, एक दिन में 30,000 से ज्यादा आप रुपए नहीं निकाल सकते, तो इसको संचयी जमा या सेविंग अकाउंट कहा जाता है। इसकी इसमें चेक की सुविधा होती है, चेक में तो ऑलमोस्ट सबको ही मिलती है, चेक की सुविधा इसमें है। फिर बात करते हैं आवर्ती जमा, या इसको कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट बेटा। कौन से डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट, और इसको शॉर्ट में कहा जाएगा आरडी। ये जैसे एफडी है, ये आरडी है, इनमें बस एक छोटा सा बेसिक अंतर है, वो देखिएगा। अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए ग्रहण करता है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं गया बैंक में, मैं सर ये 10,00,000 रुपए लो, मेरे 5 साल तक के लिए एफडी कर दो, 5 साल तक मैं आपको ना कुछ दूंगा और ना आप मुझे कुछ दोगे, 5 साल तक आपका पैसा आप समझ लें। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक साथ 10,00,000 रुपए नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि भाई 5 साल 10 साल बाद मुझे बड़ा अमाउंट की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी हर महीने मैंने ये कहा कि भाई हर महीने मैं 3,000 रुपए क्या करूंगा, 5 साल तक जमा कराऊंगा। हर महीने मैं 3,000 रुपए 5 साल के लिए जमा कराऊंगा। तो भाई हर महीने का 3,000 मतलब 36,000 में 1 साल के बैंक में जमा कराऊंगा, और जो 36,000 है वो कितने साल तक कराऊंगा, 5 साल तक कराऊंगा। ये आरडी हो जाएगी बेटा। एफडी में क्या होता है, एक बार में एक अमाउंट बड़े टाइम पीरियड के लिए करा देते हो, यहाँ पे बड़े टाइम पीरियड के लिए हर महीने आप अमाउंट जमा कराने जाते हो कि भाई हर महीने में 3,000 रुपए कब तक जमा कराऊंगा, 5 साल तक जमा कराऊंगा, क्योंकि मैंने आरडी करवा ली, और अगर बीच में उस आरडी को मैं तोड़वाता हूँ तो वही बात है, नुकसान मुझे होगा। इनकी तुलना में यहाँ पर भी ब्याज अच्छा मिलता है बैंक को, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक हर महीने की इनकम फिक्स हो जाती है, इतना तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो बैंक 4 प्रकार से लोगों से जमा स्वीकार करता है, स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा, ठीक है। इसका भी मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में करंट अकाउंट इसको कहा जाता है, या करंट डिपॉजिट आप इसको कह सकते हैं। फिर दूसरा काम जो है व्यावसायिक बैंकों का है, वो ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन। सबसे इंपॉर्टेंट काम जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, जिनसे उनको अर्निंग हो रही है, वो काम तो यही है। तो पहले लोगों से जमा स्वीकार कर लिया और अब लोगों को उधार देने का काम बैंक करते हैं। व्यावसायिक बैंकों का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। इससे लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और बैंक को लाभ भी हो जाता है। तो लोगों को ऋण प्रदान करना इसका दूसरा मुख्य कार्य है। ये बैंक प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत सिक्योरिटी की मांग करते हैं। तो उत्पादक कार्यों के लिए क्या करेंगे, ये ऋण देंगे, ठीक, उधार देंगे कि भाई आप ये काम कर रहे हो इसके लिए आपको उधार दिया जा रहा है, परंतु कुछ जमानत सिक्योरिटी की भी मांग करते हैं कि भाई ये आप जमा करा करके जाओ, कल को आपने नहीं लौटाया तो फिर हमारा आपका क्या भरोसा, तो कुछ जमा करा के जाओ, ऋणाधार की तरह हो जाता है। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य से कम होती है, तो मतलब क्या होगा, जितना आपको ऋण दिया जाएगा वो जमानत के मूल्य से कम होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं बैंक में गया और मैंने बोला साहब ये मेरी गाड़ी के कागज है, गाड़ी की कीमत आज मान लीजिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो आपको जो लोन दिया जाएगा वो 65,000-70,000 रुपए तक का ही दिया जाएगा। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो वस्तु आप वहां रखवा रहे हो उस वस्तु की जो आज बाजार में मूल्य है, कीमत है, उससे आपको कम ही लोन मिलेगा, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं, तो जैसे जमा जिस प्रकार से कर रहे थे वैसे ऋण भी अलग अलग प्रकार से प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं, 5 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक है मतलब कॉल नोटिस पे, ठीक है, जैसे आपको जरूरत पड़ी आपको करा दिया गया। ये 1 दिन से 1 सप्ताह तक का होता है, और जनरली ये क्या होता है बेटा, ये बैंकों के बीच में होता है, ये लोगों को नहीं दिया जाता है। ऋण अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए ही होता है, तो ऋण 1 दिन के लिए 1 सप्ताह के लिए होता है, ये बैंकों के बीच में होता है, कॉल लेट नोटिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, एक दूसरा बैंक है, आज मेरे बैंक में पैसा कम हो गया, हेलो प्लीज इस बैंक में इतना ट्रांसफर कर दो, तो जैसे वो इस बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, फिर पता चला थोड़ी देर बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गया, हम वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा है, वो जनरली ये किसके बीच में होता है, ये जो दो बैंक है उन्हीं के बीच में ये वाली सुविधा होती है। नगद साख,
बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। तो अगर उनके पास कोई ऋण का पत्र हो, मतलब कोई बॉन्ड हो, कोई व्यापारिक माल हो या कोई प्रतिभूतियां, कोई सिक्योरिटीज हो, उनके आधार पर जब लोन देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? नगद साख कहा जाता है। फिर बात करते हैं अधिविकर्ष या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाएगा? ओवरड्राफ्ट। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है, जो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। तो ये जनरली किस में होता है? करंट अकाउंट में होता है। ठीक है, हमने बताया ना चालू जमा जो है उसमें होता है। और करंट अकाउंट जनरली क्या होते हैं? व्यापारी लोग खुलवाते हैं। तो अगर उस व्यापारी का उस बैंक के साथ अच्छा रिलेशन मतलब टाइम पर पैसा खूब डिपॉजिट होता है, टाइम टू टाइम निकलता भी है, ठीक है, मतलब अच्छा ट्रांजेक्शन वहाँ पर चल रहा है, तो कभी कभार क्या होता है, बैंक उनको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है कि भाई आप अगर बैंक में उतना पैसा ना भी हो तो इतना पैसा, मतलब 50,000 रुपये तक आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा 50,000 रुपये तक की आपको लिमिट एक्स्ट्रा हम देंगे। मतलब जैसे मान लो बैंक में 40,000 ही थे, अब आपको पर चाहिए आपको 70,000, तो आप 70 निकाल लीजिए, 30 आपको बैंक देगा, पर वो आपको बाद में लौटाने पड़ेंगे, और उस पर हम आपसे एक अच्छा खासा क्या करेंगे, ब्याज चार्ज करेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रहे हैं, पर वो एक बार के लिए काम आपको हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऋण एवं अग्रिम की। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। मतलब पूर्व निश्चित अवधि के लिए, मतलब भाई इतनी एक पहले ही तय कर लिया जाता है कि इतनी अवधि के लिए, एक साल के लिए, डेढ़ साल के लिए, ऐसे ऋणों को ऋण एवं अग्रिम कहा जाता है। बाजार की दर भी अधिक, ब्याज की दर भी अधिक होती है, तो ब्याज की दर यहाँ पर अधिक रहेगी। फिर बात करते हैं विनिमय बिलों को बुलाना। विनिमय बिल या डिस्काउंट बिल क्या होते हैं बेटा? ठीक है, जनरली ये ऐसे बिल है, जैसे मान लीजिए ये दो व्यापारियों की बात है, जैसे मैं हूँ और ये हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उससे सामान खरीद लिया, पर मैंने उसको क्या है, एक बिल लिख करके दे दिया कि भाई मैं 3 महीने में तुझे पैसा लौटा दूंगा, ये बिल पकड़, ठीक है। अब वो बिल पकड़ लिया उसने, पर अब उसको मान लो 2 महीने में जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, अपने बैंक जा करके उस बिल का भुना लेगा, पर फिर वो बैंक मुझसे पेमेंट रिसीव करेगा। इसके पूरी जो डिटेल है वो मैंने लेक्चर में समझाई, बड़ा ही अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से उसको समझाया। ये वाली चीज़ आप एक बार लेक्चर में जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि विनिमय बिल या जो एक्सचेंज बिल होते हैं वो क्या है। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। डिस्काउंट जो वो बिल था वो था दूसरे का, पर बैंक ने लिया, और बैंक उस पर कुछ आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी करता है, अपना प्रॉफिट भी काटता है, ठीक है। अब फिर तीसरा काम है व्यावसायिक बैंकों का, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो दो मुख्य काम थे, पहला जमा को स्वीकार करना और दूसरा है ऋण प्रदान करना, ये दो मुख्य काम थे। अब जो दो काम है वो ज्यादा मुख्य नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर वो करता है, सभी व्यावसायिक बैंक करते हैं। पहला है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, इसमें क्या क्या है, यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। तो अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो उसमें चेक की और साख प्रमाण पत्र आपको जारी करता है कि भाई आप इस बैंक से किसी भी एरिया में जाकर करके आप क्या है पैसे निकलवा सकते हो, आपको चेक की सुविधा दी जा रही है, यात्री चेक है, ट्रेवलर चेक है। दूसरा है लॉकर की सुविधा देता है हर बैंक, ठीक है। अगर आपके घर में भाई कोई प्रॉपर्टी के कागज पड़े हो, आपके घर में सोना गहना चांदी हो, और आपको लगता नहीं साहब घर पे तो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी घर पे, तो इसलिए क्या करता है, बैंक लॉकर प्रोवाइड करता है, उसके भी चार्ज लेता है बैंक वैसे, पर आप बैंक में जाकर के लॉकर में अपना सामान रख सकते हो, जिससे क्या है कि आपके लॉकर की चाबी आपके पास रहती है, सुरक्षित है, और बैंक में बिल्कुल आपको पता है गार्ड वार्ड रहते हैं, कैमरा वैमरा रहते हैं, तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं रहती। ATM एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है, तो ATM आपको प्रोवाइड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ATM क्या होता है कि आप 24 घंटे कभी भी आपकी इच्छा हो तो आप ATM पर जाकर के पैसे निकलवा सकते हैं, ओके। व्यापारिक सूचना आंकड़े एकत्रीकरण, ठीक है, अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हो और आपकी क्या है, आपकी सारी जो सूचनाएं होंगी, आपके जो सारे आंकड़े होंगे उनका एकत्रीकरण कर लेगा, मतलब उनको एक करने का जो काम है वो भी व्यावसायिक बैंक करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे सारा डिटेल, मेरा सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा, बैंक के पास होगा। और कभी कभार क्या करते हैं, बैंक अपने जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको सलाह भी देते हैं कि सर आप ये काम ऐसा कर लीजिए, इस पर इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, इतना आपको ब्याज मिल जाएगा, ये सब कुछ। फिर है फोर्थ जो है एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं, इसके अंतर्गत बैंक, देखिए अब मेरी बात सुनिएगा, एजेंसी का मतलब क्या होता है, आपने एजेंट का नाम सुना है, एजेंट क्या होता है, जो कि मध्य में हो, ठीक है, सर मैं आपका काम करा दूंगा, सर जैसे आपको भी लाइसेंस बनवाने जाओगे ना 18 साल के बाद, तो RTO में आपको बहुत से एजेंट मिलेंगे, सर लो मैं आपका RTO जल्दी बना दूंगा 2,000 रुपये, तो जल्दी जल्दी काम कर देंगे, ठीक है। तो एजेंट ये ऐसा काम करता है, तो ये एजेंट है किसके, कस्टमर्स के, कि भाई हाँ आप सर हम आपका ये काम कर देते हैं, आपका अकाउंट खोल देते हैं, सर इस अकाउंट में आपको ये फायदा होगा। तो एक एजेंट और सारे एजेंटों को मिलाकर के वो बैंक क्या है, एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है, ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है। तो एक एजेंसी होने के नाते, एक कस्टमर की सेवा करने के नाते, ये लोग कुछ सेवाएं और उनको देते हैं, कुछ फैसिलिटीज और देते हैं, जैसे कि चेक, बिल, ड्राफ्ट का संकलन, ठीक है, तो चेक देंगे, बिल देंगे, ये सब कुछ।
ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण। अब आपका कहीं से ब्याज आ रहा है, वो ब्याज आपका आ जाएगा। लाभांश का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहीं शेयर वेयर खरीद रखे हैं, कहीं से आपको प्रॉफिट आने वाला है, वो प्रॉफिट आपका आ जाएगा। और फिर आपको भी किसी को देना होता है तो आप क्या है, बैंक को आदेश देते हो भाई इन इन जगह एक एक तारीख को ये सारा डिवाइड कर देना, तो वो काम भी बैंक खुद कर देता है कि सर आप चिंता मत करो हम बैठे ना। ब्याज ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान करता है। किसी को ब्याज देना हो तो वो बैंक खुद इनकी तरफ से कर देगा, मेरी तरफ से खुद बैंक कर देगा। किसी को ऋण की किस्त देनी हो, ऋण लिया था उसकी किस्त चुकानी, बैंक खुद कर देगा। बीमे की किस्त है खुद कर देगा, मतलब खुद बैंक मेरे आधार पर बैंक काम कर रहा है। मैंने बैंक को कह रहा है तो कराकर मस्त रहता है, जो भी कटे वो काट लिया कर। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का स्थानांतरण आदि किराया करता है। तो जो प्रतिभूतियां होती है, जो सिक्योरिटीज होती है, उनको खरीदना बेचने का भी काम करता है। तो यहां तक जो हमारे व्यावसायिक बैंक थे, वो व्यावसायिक बैंक का बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके जो कार्य थे, जो उसके फंक्शंस थे, वो फंक्शंस हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं सहकारिता की, या कॉर्पोरेशन जिसको कहा जाता है उसकी। सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। तो अभी हमने सहकार एग्जाम में क्या पढ़ा था कि समान आर्थिक उद्देश्य वाले लोग एक साथ मिलजुल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सहकारिता का मतलब क्या, एक साथ मिलजुल करके कार्य करना, एक साथ मिलजुल करके किसी काम को अंजाम देना। अर्थशास्त्र में सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। अब अर्थशास्त्र में सहकारिता या कॉपरेशन का क्या अर्थ है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसमें जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा से, किसी को दबाव डाल करके हम उसमें नहीं जोड़ रहे, अपनी इच्छा से, भाई मैं हो गया वो हो गया, हम पांच जने अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करना चाहते हैं। हम पांचों मिलकर के अपने जो आर्थिक हित हैं, अपने जो इंटरेस्ट उनको बढ़ाना चाहते हैं, अपने फायदे की जो बात है वो करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सहकारिता समिति बना लेते हैं। इसके मुख्यतः तीन आधारभूत सिद्धांत हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को इसमें आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, सभी को क्या है, बिल्कुल वो फ्री है, जब चाहे वो इसमें जुड़ सकते हैं, जब चाहे वो उसको छोड़ करके जा सकते हैं। तो किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा, इच्छा के अनुसार आपको काम करना है, इच्छा है तो करो, नहीं तो आप छोड़ करके जा सकते हो। दूसरा है जनतंत्रात्मक संचालन। जनतंत्रात्मक संचालन अभी क्या, जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब तो लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र में मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जनता की व्यवस्था होती है। तो यह जनतंत्रात्मक संचालन का मतलब क्या है कि भाई आपके आर्थिक आधार के आधार पर, आपके किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी जितने सदस्य उनको बराबर अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब नहीं नहीं मुझे कम अवसर है, उसको ज्यादा अवसर है, उसका वोट पांच वोट में गिना जा रहा है, मेरा वोट एक ही गिना जा रहा है, ऐसा नहीं। सबको बराबर अवसर होंगे, सबको बराबर मौके बोलने का अवसर मिलेगा, सबको जो डिसीजन है निर्णय निर्माण में है बराबर की भागीदारी मिलेगी। तो जनतंत्रात्मक संचालन होता है, लोकतंत्र के हिसाब से ही यहां पर भी काम होता है। नैतिक और सामाजिक तत्व, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सहकारिता सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का ही नहीं सोचती है, वो कभी कभार नैतिक और सामाजिक कार्य भी करती है। ठीक है, ठीक है, जो गरीब वर्ग के हैं उनको ऊपर लाने के लिए थोड़ा उधार दे देगी और कर देगी, कम रेट कर देगी। तो नैतिकता वाले और सामाजिक जो काम है वो भी ये संस्था करती है, सहकारिता करती है। सहकारिता का विकास देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कैसे हुआ, या इवोल्यूशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा। ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था, 1904 मतलब हमारी आजादी से पहले ही एक सहकारिता साख समिति विधान, ठीक है, मतलब एक कानून पारित करा गया था 1904 में। इस कानून के अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या था कि भाई किसी गांव में, किसी नगर में कोई भी 10 व्यक्ति, कोई भी 10 लोग हैं जो मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं, एक सहकारी साख समिति बना सकते हैं। फिर 1912 ईस्वी में सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए इसमें बात करी गई। ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति स्थापित करने एवं प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था करी गई। तो 1912 में, अब 1904 में पहले एक कानून बना जिसके तहत कोई भी 10 लोग मिलकर के सहकारी समिति बना सकते हैं, परंतु 1912 में इसमें और सुधार लाने के लिए, और सिर्फ ऋण देने के अलावा, ऋण देने के अलावा क्या है कि भाई इन समितियों की देखभाल करना सही से काम करती है या नहीं करती, केंद्रीय संगठनों की स्थापना करी गई, मतलब ऐसे संगठन जो इन पर नजर रख सके, इनके काम को आगे बढ़ा सके। 1914 में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई।
1919 में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित का विषय बना दिया गया। 1919 के बाद क्या हो गया, यह मुद्दा किसको सौंप दिया गया, प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। जैसे हमने बात करते हैं जो सहकारी बैंक है वो किसके अनुसार काम करते हैं, काम तो केंद्रीय बैंक की तो बात मानते हैं परंतु वो राज्य सरकारों के अनुसार है, तो प्रांतीय सरकारों के पास आ जाते हैं, राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ चुका है। ओके, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारिता समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होता है, जो हमारे देश में तीन स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, तो जो सहकारी बैंक है, ठीक है, सहकारी समितियों ने वित्तीय जो आवश्यकता है, जितनी भी सहकारी समितियां होंगी उनकी जो वित्तीय आवश्यकता, जो उनकी जरूरत है, वो कौन पूरी करता है, सहकारी बैंक पूरी करता है। और सहकारी बैंक तीन स्तर पर है, पहला प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, फिर राज्य के स्तर पर है, और फिर केंद्रीय सहकारी समितियां, वो आपको जिले में वहां पर मिल जाएंगी या आपको हर राज्य में, और ये पूरे केंद्र में एक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राज्य के विकास में भूमिका इन सहकारिता समितियों की, राज्य के जो विकास है उसमें क्या भूमिका है वो देखते हैं। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता, ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। देखिए, सहकारिता जनरली क्या है कि कुछ लोगों ने एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया, फिर पैसा उधार देने का काम इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जैसे कि भाई कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, अगरबत्तियां बना रहे हैं, घर में बैठ कर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको पैसा देकर करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करा जा रहा है कि आप ये पैसा लीजिए, अपना जो भी छोटा मोटा धंधा कुछ भी कर सकते हैं वो करिए, और धीरे धीरे ये पैसा कम ब्याज दर ही आप हमें लौटा दीजिएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो राज्य स्तर पे जो सहकारी बैंक है वो क्या कराएंगे, इनको ऋण देने का काम करेंगे, उधार देने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, अब जो सहकारिता है, अब इससे क्या होगा, जब उधार देंगे तो रोजगार में बढ़ावा होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए उसको पैसा मिल गया तो पहले तो क्या करेगा, धीरे धीरे खुद काम करना शुरू करेगा, काम बढ़ जाएगा तो दो लोगों को, पांच लोगों को, दस लोगों को रोजगार देगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रहे हैं, फिर वो दूसरे लोगों को रोजगार दे जाएंगे। तो रोजगार में क्या होगा, बढ़ावा होगा, रोजगार में इजाफा आएगा। दूसरा है, व्यक्ति की आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इनसे क्या होगा, जो व्यक्ति की इनकम है, जब वो काम धंधा करने लग जाएगा, खुद का काम चल जाएगा, तो उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, और देखिए भैया, आज के जमाने में जो सब कुछ है ना बेटा, वो पैसा है। पैसा है तो मतलब आप मान के चले कि 80% चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, पैसा होगा तो आपको, आप हर सुख सुविधाओं को खरीद सकते हैं, पैसा होगा तो हर बीमारी का इलाज हो जाता है। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग भारत में कैंसर जो डिजीज़ है, बहुत बेकार डिजीज़ है, उससे काफ़ी लोग मर जाते हैं। ठीक है, परंतु आज ये चीज़ देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है वो फॉरेन में जा करके ट्रीटमेंट करवा कर करके बच जाते हैं, और काफ़ी इंडिया में भी बच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस वो स्टेज का फ़र्क रहता है कि आप कौन से स्टेज पे पता चलता है। जल्दी पता चल जाता है तो इंसान का ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं तो बाकी, और नहीं पता चलता तो वो फिर चला ही जाता है। और बाकी देखिए, पैसे से भी थोड़ा बहुत तो ऊपर वाले की कृपा भी जरूरी है। अगर उसने लिख रखा है कि भाई तू 2 साल और जिएगा, 10 साल और जिएगा, तो जीता नहीं, बाकी जिस दिन उसका बुलावा आता है उस दिन तो कोई नहीं बच पाता। परंतु मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हाँ, पैसा है तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आज के ज़माने में सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको पैसे से ही आपको सम्मान मिलेगा, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा, कोई आपका धर्म नहीं पूछेगा, कोई आपका लिंग नहीं पूछेगा, कोई रंग नहीं देखेगा, कोई कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कोई नहीं देखेगा। पैसा है तो सब कुछ है, तो मतलब ऐसा है, पर सब कुछ भी नहीं है। उसके अलावा सम्मान, रेस्पेक्ट, ये सब कुछ बड़े मायने रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वयं सहायता समूह और सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ये हमारे इस चैप्टर का और इस वन शॉट का लास्ट ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। अब देखिए, सहकारी जो समिति है वो जनरली क्या है, ऐसे लोगों की है जो पैसा जोड़ते हैं और फिर लोगों को एक तरीके से लोन देने का काम करते हैं। अब स्वयं सहायता समूह आपको ऐसा मिलता जुलता सा दिखेगा, नाम देखिए, स्वयं सहायता समूह, स्वयं मतलब खुद, खुद की सहायता करने वाला ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जुड़ेंगे और छोटी छोटी अपनी इनकम्स को जोड़ते हैं। भाई हर महीने हम 200-200 रुपये जमा कराएंगे, और फिर जैसे 15 लोग जुड़े हुए हैं तो 200 के हिसाब से हमारे कितने हो गए, 3000 रुपये हमारे जो है वो हो जाएंगे। तो 3000 रुपये मान लो इस महीने में इसको जरूरत पड़ गई तो उसको दे देंगे, फिर वो वापस लौटा देंगे, फिर अगले महीने में उसको जरूरत पड़ गई तो उसको दे देंगे। तो खुद की सहायता करने के हम लोगों ने क्या कर लिया, एक ग्रुप, एक समूह बना लिया, जिसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। तो स्वयं सहायता समूह क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, और जनरली कितनी महिलाएं होती है, 15 से 20 महिलाएं होती हैं, और एक अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है ये बनेगा, आपने अपना बना लिया और आप अपने अनुसार उसमें काम कर रहे हैं। जनरली महिलाएं, तो ये आपको तस्वीर दिखाई,
जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपनी बचतें करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई, जैसे मान लीजिए 20 महिलाएं, अब वो 20 महिलाएं मिल गई और उन्होंने ये सोचा कि भाई आज से हम हर महीने हर महिला 1000-1000 रुपये हम इकट्ठा करेंगे। 1000-1000 रुपये इकट्ठा करें, 20,000 हुए, दूसरे महीने में और 20 आए, तीसरे महीने में और आए 60,000 आए, चौथे महीने में 80,000। अब चौथे महीने में आकर करके क्या हुआ कि एक महिला ने बोला कि देखो साहब, मुझे ना इस पर 10,000 रुपये की जरूरत है। बोले अच्छा, 10,000 की जरूरत है, ये पकड़ 10,000 रुपये। कितने दिनों में लौटा देगी? 3 महीने के अंदर में 10,000 रुपये लौटा दूंगी। इस पर ब्याज बहुत कम, ठीक है, तो 10,000 रुपये एक काम करना, 400 रुपये जो है वो ब्याज के दे देना, बहुत कम ब्याज ले लेते हैं। ये सब स्वयं सहायता समूह वाली जो भी लेडीज होती है वो अपना तय करके चलती है कि भाई इतना इतना इसको पैसा समय पे जब भी जरूरत होगी। कभी कभार बैंकों से लघु ऋण, बहुत छोटा ऋण ले लेते हैं, उससे जो अपने परिवार की जो जरूरतें हैं वो भी करते हैं, पूरी करती है। कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा होता है उसको भी बढ़ाती है। अब जब काम धंधा बढ़ेगा मतलब आर्थिक विकास होगा, गांव का विकास होगा, और इस गांव के विकास में जब महिलाओं का योगदान है, महिलाएं खुद निर्णय ले पा रही हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण हो रही है, महिला मजबूत बन रही है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कैसे शुरुआत हुई है। 1980 के दशक के अंत में भारत में कुछ स्वयंसेवी संगठन थे। 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गए। तो 1980 के दशक के अंत में देखें, मतलब 1985-87 के बाद की बात करें तो कुछ स्वयंसेवी संगठन थे। स्वयंसेवी संगठन तो खुद की सेवा करने वाले संगठन है, ठीक है, मतलब खुद ही सब मिलजुले हैं और खुद के लिए काम कर रहे हैं। फिर 1990 में जब नबार्ड की बात आई तो नबार्ड ने ऐसे कामों को और बढ़ावा दिया और स्वयं सहायता समूह फिर पूरे देश में फैल गए। अब तो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक व आर्थिक और सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अब तो चाहे कोई भी सरकारी बैंक हो, गैर सरकारी बैंक हो, वो सब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं और वो समझाते हैं गाँव महिलाओं को जाकर के, यार आप एक काम करो, 10-15 महिला मिल जाओ, स्वयं सहायता समूह बना लो और फिर हम आपको बैंक वाले लोन भी आसानी से दे देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति को लोन देना मुश्किल है, क्योंकि भाई आप गरीब वर्गों से हो, लोन नहीं चुका तो परेशानी होगी। आप अगर 15-20 महिलाएं मिलकर के लोन लेने आओगे किसी उद्योग के लिए कि हमें छोटा मोटा ये काम धंधा शुरू करना है, हमें हमारे परिवार के लिए चाहिए, तो लोन आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब प्रोत्साहन करा जा रहा है, मोटिवेट करा जा रहा है कि आप करिए ऐसा। अब इसकी भूमिका या इसका रोल क्या है? एक या दो वर्षों के बाद नियमित बचत करता है तो बैंक से ऋण योग्य हो जाता है। अब आप एक साल दो साल तक आराम से अच्छे से बचत कर लेते हो तो अब आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि आप बैंक से ऋण ले सकते हो, बैंक से आप उधार ले सकते हो, बैंक आपको लोन दे देगा। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है तो ऋण किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, ऋण समूह के नाम पर दिया जाएगा, ग्रुप के नाम पर दिया जाएगा। स्वरोजगार के अवसरों, अब इससे क्या होगा कि भाई आपने वहाँ से पैसा लिया है, क्यों लिया है, कि भाई खुद का कुछ धंधा शुरू करेंगे। जैसे मान लो सारी लेडीज़ हैं तो उन्होंने सोचा कि हम सिलाई मशीन का काम कर लेते हैं, तो हमें 3 सिलाई मशीनें खरीदनी है, तो 3 सिलाई मशीनों के लिए हमें पैसा चाहिए। एक सिलाई मशीन 10,000 की भी आती है तो 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 उसके लिए, ठीक है, और अब वो 30,000 की वो आ जाएगी, उसके बाद जो बाकी महिलाएं वो छोटा मोटा और कोई काम धंधा उसमें कराने लग जाएगी। तो स्वरोजगार के लिए, खुद के एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, किसी का जाकर के कर्मचारी नहीं बनना, खुद के मालिक बनने के काम है। उदाहरण, सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए, तो कोई कभी कभार इनको लोन की जरूरत क्यों पड़ जाती है, अपनी जो जमीन है उनको गिरवी छुड़वाने के लिए, और कार्यशील पूंजी मतलब जो भी काम धंधा कर रही है उस काम धंधे के लिए जो रेगुलर जो पैसा खर्च होता है भाई, जैसे कुछ कच्चा माल लाना है और कुछ करना है, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता पूरी करना है। निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा कि कितना पैसा लेना है, कितना नहीं है, कैसे चुकाएंगे, सारी बात है जो डिसीजन कौन लेंगे, पूरा समूह लेगा, एक व्यक्ति नहीं लेगा। ऋण उसका लक्ष्य, ठीक है भाई ऋण हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसका लक्ष्य क्या है, ऋण लेने का उद्देश्य क्या है, भाई हम खुद का कुछ स्वरोजगार के लिए ले रहे हैं या सिर्फ घर की जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ले रहे हैं। ऋण लिया क्यों जा रहा है, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट भी तो होगा ना, भाई आप कक्षा 11 में जाके कोई विषय लोगे तो कोई टारगेट लेकर के ही तो लोगे। उसकी रकम, कितनी रकम लेनी है भैया, कितना पैसा मुझे लेना है, उसकी ब्याज दर, उसकी ब्याज दर क्या होगी, कितनी होगी, अगर समूह के अंदर ही किसी को दिया जा रहा है तो इसकी ब्याज दर इतनी होगी। वापस लौटाने की अवधि, कब तक आप लौटा दोगे पैसा। ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है, अगर ऋण नहीं, जो ऋण को लौटाने की जो जिम्मेदारी है वो समूह की होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। इसी कारण बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता। तो अब बैंक क्या है, निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जब वो अपने आपको स्वयं सहायता समूह में जोड़ लेते हैं, चाहे उनके पास ऋण आधार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाता है।
इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। तो इससे छोटे पैमाने पर मतलब कम अमाउंट में उधार दिया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है, इसकी सुविधा प्रदान हो गई है। इसके अतिरिक्त ये समूह गांव, कस्बा और जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। और इससे क्या है कि स्वयं सहायता समूहों के बहाने क्या होता है कि जो गरीब वर्ग है वो एक हो रहा है, एकजुट हो रहा है कि हाँ सब हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे, हम एक साथ अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, हम इकट्ठे रहेंगे तो हमें लोन भी मिल जाएगा, हमारा काम है वो भी बढ़ेगा। तो गाँव में, कस्बा में, जिला में जो गरीब है वो संगठित होता है, और जब संगठित होता है तो उसके साथ शोषण होने का सवाल ही नहीं होगा ही नहीं शोषण। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। इससे क्या है, महिलाएं स्वावलंबी भी हो जाती है। स्वावलंबी का मतलब क्या है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। वहाँ बैठ रही है, हाँ भाई देख इस बार मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, ये काम करवाना है, खुद फैसले ले सकती है, पतियों पर किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। और जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो बातें तो करती हैं, और उसके साथ अब स्वयं सहायता समूह में क्या है, वो चर्चा कर पाती हैं कि भाई मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये समस्या है, अपने स्वास्थ्य पर, पोषण पर उन पर चर्चा कर पाती है और डिस्कशन उन पर कर पाती है। तो स्वयं सहायता समूह के ये फायदे, सामाजिक फायदे भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सामाजिक फायदों के साथ जो आज हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, इस चैप्टर का वन शॉट भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग डाउट ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा। बच्चों, बाकी इसके सारे लेक्चर एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, डिटेल में पढ़ना हो उन लेक्चर्स को देखिएगा। 5 लेक्चर हैं और 1 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी करवाया है। इसके अलावा एमसीक्यूज तो होते हैं, और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिहार बोर्ड में टॉपर बनिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।